हे फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MAL और PNL के बीच में जो अगला T10 का मैच होने वाला है, आज के दिन का पहला T10 मैच। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। दोनों ही टीमों के क्या रहने वाले हैं प्लेइंग 11, क्या रहेगा बैटिंग ऑर्डर, सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, कैप्टेंसी के लिए किसको लेना सही रहेगा, किसे वाइस कैप्टेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है दोस्तों, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है भाइयों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाले T10 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, इस मैच का फाइनल टीम के लिए एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे 30,000 से भी अधिक मेंबर ने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स, पहला कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। ये जो मैच है, कोटवावल ग्राउंड स्पेन में ये मुकाबला होगा। यहाँ का पिच कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ये एक बैलेंस पिच है दोस्तों, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को इक्वल अभी तक सपोर्ट देखने को मिला है। जैसे कि ML की बात करते हैं तो अभी तक 3 मैच खेला है, एक भी मैचेस में यहाँ पे विन नहीं करा है, 3 के 3 मैचेस यहाँ पे लॉस करते हुए आए हैं। PNL की बात करते हैं तो 2 मैच खेला है, पहला मुकाबला 78 का टारगेट यहाँ पे दिया था, लेकिन PIC की टीम ने इस रन को आसानी से चेस कर लिया और पहले मुकाबले में PNL को लॉस किया है। दोस्तों, सेकंड मैच की बात करते हैं तो ये हालांकि चेजिंग करते हुए विन करा है, तो यहाँ पे PNL के टीम में एक मैच यहाँ पे जो है विन करते हुए आए हैं, एक मैच लॉस किया है, और ML के टीम 3 के 3 मैचेस यहाँ पे लॉस करते हुए आए हैं। दोस्तों, इसमें जो है ओपन करेंगे मेन शायद, जो कि टीम के कैप्टन है। पहले मैच में ओपन करते हुए 1 रन, दूसरे मैच में भी 1 रन स्कोर करा है, टीम के कैप्टन है, लेकिन 2 मैच में खेला है जहाँ पे ओपन करते हुए मात्र 1-1 रन पे आउट रहा है। इनको अगर आप चाहे इस मैच के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी उमर फारूक की बात करेंगे तो ओपन कर रहे हैं दोस्तों, पहले मैच में 0 रन, दूसरे मैच में 7 रन, फिर 5 रन, पूरे टूर्नामेंट मात्र यहाँ पे 12 रन स्कोर करा, ये भी टीम के ओपन करते हुए दिख रहे थे, बाकी बॉलिंग नहीं करेंगे। आमिर ज़ैब ये बहुत शानदार प्लेयर है, जो टीम के फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी के साथ साथ 2 ओवर कंफर्म गेंदबाजी करते हैं। पूरे सीरीज में अगर आप देखेंगे तो 27 रन बना के 5 विकेट निकाल चुके हैं अभी तक, बहुत बढ़िया पिक रहेगा दोस्तों। इनको जरूर से जरूर पिक करना, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी ज़ैब को ट्राई कर सकते हैं, आमिर ज़ैब को ट्राई कर सकते हैं। सैयद मोहसिन की बात करते हैं दोस्तों, पहले मैच फ्लॉप रहा, दूसरे मैच में 7 रन कोई विकेट नहीं मिला, फिर 1 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं, ये भी टीम के काफी बेहतरीन गेंदबाज है। नजम शहजाद पूरे सीरीज में 61 रन बना के 1 विकेट निकाला, टीम के थर्ड राउंड का बल्लेबाज है। और दोस्तों, पहला और लास्ट मैच में बॉलिंग करा था, बीच के एक मैच में जहां पे 30 रन स्कोर करा है, इसमें बॉलिंग नहीं करा था, लेकिन खिलाड़ी ये भी बहुत मजबूत है, अगर आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। आशिम शरवार जो कि पूरे सीरीज में देखोगे दोस्तों तो अभी तक 1 भी विकेट इनको हासिल नहीं हुआ है, 1 से 2 ओवर कर रहे हैं, कभी 1 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, कभी 2 ओवर कर रहे हैं, और काफ़ी लेट बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इनको अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। शेम अली का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। आमिर इकराम की बात करेंगे दोस्तों तो पहले मैच में फ्लॉप 8 रन, फिर 12, फिर 4 रन, इनको भी मैं ड्रॉप करूंगा, इनका रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है। वहीं अगर बात करते हैं जगेश पेपोत को भी ड्रॉप करेंगे, इनका भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। अदनान गोंडल जो कि पहले मैच फ्लॉप, दूसरे मैच फ्लॉप रहा, लास्ट मैच फ्लॉप रहा, इनको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। अशाद महमूद की बात करेंगे, ये भी फ्लॉप है, इनको मैं ड्रॉप करूंगा। जुल्फिकर शाह को भी ड्रॉप करने वाले हैं। लास्ट के जितने भी खिलाड़ी हैं ना, मतलब उतना ज़्यादा मैचेस खेला नहीं है अभी तक, और इस वजह से मैं इनको ड्रॉप भी करूंगा, रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है। देखो, इन्होंने एक ही मैच खेला है यहाँ पे कोनार्ड ने, और यहाँ पे 44 रन स्कोर कराया। अगर इस मैच के अंदर खेलता है तो मैं आपको लाइनअप के बाद इन्फॉर्म कर दूंगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। तो अभी जो है, ये जो ML का बैटिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने टीम में आप रख सकते हैं। बाकी PNL के टीम के भी मैंने आपके लिए जो बैटिंग ऑर्डर देखा है, देख लीजिए। यहाँ पे जमडाल साधुन जो कि ये टीम का फर्स्ट राउंड का प्लेयर है, चमल साधुन जो कि पहले मैच में 1 रन बनाए थे, 1 विकेट निकाला है, और बॉलिंग 1 ही ओवर करा था, 14 रन खर्च किए थे, 1 विकेट निकाला, बाकी के मैच ने खेलते हुए नजर नहीं आए, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी गुरुप्रताप सिंह की बात करते हैं, टीम के कैप्टन है, पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच 50 रन, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन ये टीम के ओपन भी करते हैं, 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे, कैप्टन है, आप भी इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, जिस प्रकार इन्होंने लास्ट मैच बॉलिंग करा था। रोमन का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, फर्स्ट राउंड पे खेल रहे, 2 मैच खेला, 2 मैच फ्लॉप रहे। वहीं तेजविंदर सिंह की बात करते हैं, पहले मैच 24 रन बनाए, 1 विकेट, फिर 14 रन, पूरे सीरीज में 38 रन बना के 1 विकेट निकाल चुके, 2 मैच में काफी बढ़िया इन्होंने खेला है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, इनको जरूर पिक करना। वहीं सुशील कुमार की बात करेंगे, पहले मैच फ्लॉप, फिर दूसरे मैच में 2 विकेट निकाले हैं। नीरज के तिवारी की बात करेंगे, पूरे सीरीज में 4 रन बना के 4 विकेट निकाले हैं, टीम के थर्ड राउंड का बल्लेबाज है, 2 ओवर गेंदबाजी भी करेंगे, इनको जरूर पिक करना।
स्कॉट ऑस्टिन पहले मैच 20 रन, दूसरे मैच 3 रन, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, काफी लेट बल्लेबाजी करेंगे तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं इस मैच के अंदर। तरनजीत सिंह पहले मैच फ्लॉप, दूसरे मैच में 2 विकेट निकाला है, देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड। वही बात करते हैं हरविंदर सिंह का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, कसीम अनवर पहले मैच में 23 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर 1 विकेट निकाले हैं। और लास्ट जो यहाँ पे खिलाड़ी है विक्रम वर्मा, इनको मैं ड्रॉप करूंगा। तो ये है डिटेल्स दोनों ही टीमों का जो आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलने वाला है भाई दोनों ही टीमों का। इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने टीम में आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पे टीम बना के रखा है बिफोर लाइनअप, क्यू अनवर को मैंने ट्राई कर रखा विकेट कीपर में, अच्छा पिक रहेगा, टीम का टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। बाकी बैटिंग में अगर आप देखेंगे 3 बैट्समैन को है, जिसमें से मैंने एजेब को मैंने वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर रखा है, हालांकि मैंने कैप्टनसी के लिए भी इंपॉर्टेंट बताया था, अगर आप चाहें तो ये चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, जी सिंह को आप वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो। दोनों के दोनों खिलाड़ी जो है टीम के टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के साथ साथ आपको बल्लेबाजी भी करते हुए दिख जाएंगे, तो ध्यान रखना, यही कारण है कि मैं इन दोनों को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सी साधुन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, अगर आप जीएल की चॉइस यहाँ पे लेना चाहते हैं। बाकी ऑलराउंडर में इन दोनों खिलाड़ियों का भी रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, मैंने आपको देखो सारे खिलाड़ियों का डिटेल्स आपके सामने है, आप चेंज कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो मैंने 4 बॉलर को ले रखा है, चारों के चारों कंप्लीट 2-2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो अभी जो ये टीम है अभी इसको आप लोग सेव कर लो, लाइनअप का वेट करना, इस मैच का फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसने ज्वाइन नहीं कराया जल्दी से कर लो, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स, पहला कमेंट में आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।